जो भी छोटा मोटा नाम या मुकाम बना पाई हूं, मेरे माता पिता की हिम्मत और मेरे दर्शक जिन्होंने हमेशा मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरा साथ दिया है, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं इसलिए इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहती। उन्होंने बोला कि गॉड उनके हाथ में तो एसिड है, एसिड का बॉटल लिया हुआ था उन्होंने। और मिट चौकी आप जानते होंगे, मिट चौकी से मैं एकता नगर की तरफ भागना शुरू की। 13 से 14 लोग एक लाइन से, जैसे ही एकता नगर से राइट लेते हैं, लेफ्ट साइड में एक ट्रक था, ट्रक और पेट्रोल पंप है वहां पे। वो ट्रक से बाहर 13-14 लोग आए, कोई वो नाक से खींचते हैं कोई नशा, कोई प्लेट लिया हुआ था, तो कोई मतलब जो नशा करते हैं और इन लोगों का गैंग बना हुआ था, ये मुझे बाद में पता चला। वो सब बारी बारी से मेरे सामने आए, मालवानी थाने कॉल किया, उन्होंने सारा रिपोर्ट लिया क्या है क्या नहीं, और मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और मैं कभी भी खत्म हो सकती हूँ, तो प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। मैं रात का समय था, मैं खाना लेने आई थी, चूंकि मम्मी पापा घर में थे नहीं, और मतलब खाना पैक करा के मैं उतरी ही थी रेस्टोरेंट से, और देखा कि 3 लोग मेरी तरफ बड़े तेजी से आ रहे थे, और मैं उनको देखकर मतलब स्तब्ध हो गई। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि अचानक से कोई चीज आती है तो आप एकदम सहम जाते हो। मेरे समझ नहीं आया, मैंने गाड़ी खोली और तुरंत बैठी, और बैठ के मैं वहां से भागना शुरू की। मुझे लगा कुछ तो गलत होने वाला है, और संजोग से एक दोस्त और एक को एक्टर मुझे मिल गई, और उनके साथ मतलब वो रास्ते में ही दिखी, और मैंने उनको बैठाया गाड़ी में और भागना शुरू की। और उन्होंने बोला कि गॉड उनके हाथ में तो एसिड है, एसिड का बॉटल लिया हुआ था उन्होंने। और मिट चौकी आप जानते होंगे, मिट चौकी से मैं एकता नगर की तरफ भागना शुरू की। गाड़ी के अंदर इंटरलॉक कर लिया था गाड़ी, और मतलब हाथ पैर मेरे कांप रहे थे उस समय। और वो लोग मुझे ना बाहर से ही धमकी कि मतलब तुम निकलो, आज मैं तुमको बताता हूँ, इस तरीके का एक्सप्रेशन था उनका, और वो लगातार मुझे फॉलो करने लगे। आगे जाकर एकता नगर जहाँ सिग्नल डिवाइड होता है, वहां से 2 रास्ते जाते हैं, और मैं वहां रुकती हूँ और एक गाड़ी दिखती है पुलिस की, और मैं जाकर उनके एकदम नजदीक शीशा खोलती हूँ और कहती हूँ, सर प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, ऐसे ऐसे लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और आपको यकीन ना हो तो आप जाके मालवानी थाने में भी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी FIR किया हुआ है। उनसे मैंने मदद मांगी और उन्होंने बोला अच्छा अच्छा कहाँ है, और उन्होंने देखा कि वो लड़के लोग मुझे क्रॉस करके बड़ी तेजी से वो आगे बढ़ चुके थे, और उस समय इनसे मैंने मदद मांगी, बट इन्होंने बोला कि ठीक है मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको फोन से बता सकता हूँ कि आप ये थाने में कॉल करिए, और चूंकि हमारा वो कुछ शब्द कहते हैं कि ये हमारे जोन में नहीं आता है, हाँ या ये वाला जो रास्ता है यहाँ से बट जाता है, तो ये किसी और थाने में आता है। तो वो मुझे समझ नहीं आया, और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मैं आपकी मदद उस जगह पर जाकर नहीं कर सकता, तो आप एक काम करिए, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप ये थाने में कॉल कर लीजिए, चारकोप थाने में। मैंने कॉल लगाया और वापस गाड़ी में बैठ गई, इंटरलॉक किया, बड़ी ही हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की कि अब जो होगा देखा जाएगा, और तेजी में गाड़ी भगाई वहां से। तब तक मैंने देखा 13 से 14 लोग एक लाइन से, जैसे ही एकता नगर से राइट लेते हैं, लेफ्ट साइड में एक ट्रक था, ट्रक और पेट्रोल पंप है वहां पे। वो ट्रक से बाहर 13-14 लोग आए, कोई वो नाक से खींचते हैं कोई नशा, कोई प्लेट लिया हुआ था, तो कोई मतलब जो नशा करते हैं और इन लोगों का गैंग बना हुआ था, ये मुझे बाद में पता चला।
वो सब बारी बारी से मेरे सामने आए और मैं गाड़ी मतलब ऐसे देखी हूँ और देख के बड़े ही तेजी से और घबरा के गाड़ी आगे बढ़ाने लगी। तब तक झारकोप थाने में जिनको मैंने कॉल किया था वो लोग आने ही लगे रास्ते में, और इन लोगों ने भी कॉल कर दिया था कि ऐसे ऐसे एक लड़की है जो जूझ रही है मुश्किलों से। वो रास्ते में मिले और उन्होंने बोला ये रास्ता है, आप थाने में चले जाइए तुरंत। पुलिस आई और उन लोगों को शायद पकड़ने के लिए उनके पीछे लग गई, बट वो लोग भागने लगे थे। मैं थाने में गई और 4-5 बजे के करीब करीबन मैं वहीं पर बैठी रही। और मैं वो चूंकि इंस्पेक्टर बहुत अच्छे थे, उनको मैंने सारी जो चीजें हैं वो बताई। उन्होंने मालवानी थाने कॉल किया, उन्होंने सारा रिपोर्ट लिया क्या है क्या नहीं, और मैंने बताया कि सर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं और मैं कभी भी खत्म हो सकती हूँ, तो प्लीज मेरी जान बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, और मेरे लिए कुछ लोग आपके थाने से ही दे दीजिए जो जिन जिनकी सिक्योरिटी मुझे मिल सके। और मैं वहीं बैठी रही, वहां से मैंने वहां पे भी मामला दर्ज कराया और उन्होंने बोला कि सुबह तक आपको बताते हैं। एक दो लोग को भी लेकर आए वो सामने जिनको मैंने पहचाना भी, एक को पहचाना, एक लड़का था जो वहां पर मौजूद था वो सामने आया। और फिर उन्होंने बोला कि मैं इसके पीछे लोग लगाऊंगा और देखूंगा, पता करूंगा जल्द से जल्द कि ये लोग कौन थे। ये चीजें हुई और वापस लौटी मैं घर की ओर, वापस रुक किया मैंने और लोग आए थाने से मुझे ड्रॉप करने। ये इंसिडेंट मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती। मैं हर बात पे आके रोना और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कई हद तक मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे रोना ना आए, बिकॉज़ आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे लड़ना है, बहुत बहुत हिम्मत रखनी है और आगे डट कर लड़ना है इन सारी चीजों से। उस दिन से मैंने गांठ बांधा और उस दिन से मेरे जीवन का जो डर है कि मुझे कोई मार सकता है या मैं मर जाऊंगी, मैं डर जाऊंगी, ये सारी चीजों को मैंने दरकिनार किया। और वो दिन है और आज का दिन है कि मुझे कोई डरा नहीं सकता। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं डर नहीं सकती जीवन में, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। और मैं जितनी भी लड़कियां हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि ये ईश्वर ना करे कि ऐसा दिन कभी किसी के जीवन में आए। हाँ बहुत मुश्किल से समय गुजारा है, बहुत मेहनत किया है, बहुत सी चीजों का सामना करते यहां तक पहुंची। जो भी छोटा मोटा नाम या मुकाम बना पाई हूं, मेरे माता पिता की हिम्मत और मेरे दर्शक जिन्होंने हमेशा मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरा साथ दिया है, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। मैं इसलिए इन बातों का जिक्र नहीं करना चाहती। अक्षरा, मैं जानता हूँ उस समय भी जब आप होटल में आपके साथ हादसा हुआ, आपको वहाँ पे जलील किया गया, आप एयरपोर्ट पर भी आप संभालती रहीं उनको, और वहाँ पर आप आपके साथ आपका अपमान हुआ। शूटिंग से पहले, हाँ, शूटिंग से पहले आपको कहा इन जा रहा था बातों कि के बारे मतलब इन बातों को दोहराना नहीं चाहती। मैं बस आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि इन बातों को छोड़ दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से निकली हूँ। प्लीज निवेदन करती हूँ।